शो का आगाज कर रहे हैं अपने प्यारे फीके की प्यारी बातों से। अब सारे मोहल्ले के जितने भी बुजुर्ग है ना जी, वो बेचारे सारे जो रोज जाते थे मस्जिद में, हाँ जी, खाजा साहब तो बेचारे रोने लग जाते हैं, कहते हैं रोजे खत्म हो गए। तो बेचारे ना साथ कहते हैं कि वो बुजुर्ग बंदी है ना, तो कहते हैं हो रहे अगले रोज मैं होने के नहीं। तो अल्लाह से जितनी भी माफी मांग लो तो वो ही अच्छी होती है। हम ना सारे रोजे, मैं भी अच्छा ना भी और तुफैल होड़ी भी, सारे हम रोज सैड़ी जगाते रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, हम सैड़ी का वक्त हम जीना के पढ़ पढ़ के तो लोगों को जगाते थे। माशाल्लाह। कोई सलीका ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा कर्म है ये इश्क की बात है फीका जी। मैं वो जो चाचा बशीर है ना बेचारा, वो जब भी अगर ना उसका रोना निकल जाता है, कहता है कि ऐसी तो किसी ना कम जे लोग रब दिया डैम तो फिर भी हुंदिया ने साडे ते, कहता है देखो अमरीका ते इंग्लैंड कितने वड़े वड़े अमीर मुल्क है, ते उत्थे कितना इंसान फौत हो गया बेचारा। उधर कहते है इतनी मौतें हो गई है कोरोना की वजह से। तो कहते है देखो पाकिस्तान अल्लाह ही माफ कर देता है, अल्लाह माड़े नु माफ कर देता है, अल्लाह सारे नु माफ करे। चाचा बशीर कहते हैं कि जब भी रोजे आते हैं अल्लाह पाक बारिशें डाल के तो रोजे भी ठंडे कर देते हैं। कहते हैं फीके रब को पता है कि हमारे आदमी के घर पंखा नहीं है, उसने एसी नहीं चला सकना, उसके घर एसी नहीं है। तो कहते हैं कि अल्लाह तो बहुत बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा गफूर रहीम है। चाचा बशीर बहुत अच्छा आदमी है। मुझे कहते मैंने एक दिन का मैंने कहा चाचा हमारा क्या कसूर है गरीबों का, सारे ईद मनाते हैं तो नवे सूट तो नवियां जुतियां। तो मैंने कहा कि मैं तो अपने अम्मी अबू के सामने जूती और सूट का नाम भी नहीं लेता। तो मुझे कहता है पागल हो गया तू, अल्लाह ते जिन्नी तेरे ते रहमत अल्लाह ने कीती होई है पहले ओदा ते शुक्र कर ले। कहंदा इतने इतने अमीर लोगों को बेचारियों को कोरोना हो गया, तो अल्लाह का पहले तो जेड़े वक्त जा रहा उसमें तो यही शुक्र करते रहो कि तुम लोग ठीक हो। फिर कहता उठ के खलो में खलो गया, कहते हैं शुक्र कर। मैंने कहा क्या मतलब? कहते है मासी बेड़ी वाली का मुंडा खिलौंदा बेचारे दिया लत्ता मारिया हुई, तो मेरे जेन से फिर सूट निकल गया। अल्लाह जो करता बेहतर करता। मैंने कहा चाचा बशीर कहंदा ते ठीक है कि मैं खड़ा भी हो जाता हूँ, मैं चल भी लेता हूँ, तो खाला बड़कते का मुंडा अल्लाह माफ करे जमीन के ऊपर बेचारा टांगे घसीट रहा हो। वाकई हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने। अब बहुत सारे लोगों बेचारियों के कोरोने की वजह से काम बंद हो गए, तो हमारी भी फैक्ट्री हुई बंद हुई हुई थी, तो हमने भी अब मैंने मैंने अपने दर
दरवाजे के आगे आलू छोले लगानी है। ठीक है, एसओपीज का पूरा ख्याल रखना क्योंकि कोरोना अभी है। हाँ। क्या होता है? ओ, उसका मतलब है दस्ताने पहन के आलू छोले बेचने हैं। हाँ जी। लो, दस्ताने पहन के मैं आलू छोले बेचने ने तो मैं मीटर ठीक करना है। यार ठीक है, ये वो दस्ताने नहीं कह रहा, डॉक्टरी दस्ताने, वो सफेद सफेद नहीं होते जो। वो जड़ासीम वाले होते, वो जड़ासीम वाले। वो तो कहते हैं कि मास्क लगा के तो फिरे। लेकिन फिकर, लोग आलू छोले खाएंगे कैसे? लोगों ने तो मास्क पहने होंगे। ये बेचारा खुद जब से कोरोना शुरू हुआ है 6 मास्क भी साथ खा गया। मास्क चौक के तो खा लो, जाके नारकली वेख जिथे दही पल्ले वेख देने, औरतां बुड़खा उच्चा करके तड़ा खा ले। अच्छा पीके, कारोबारी बात, ऑनलाइन मिल जाएंगे आलू छोले? नहीं नहीं, उदड़ मिलेंगे। अच्छा अच्छा, हमारे घर के आगे परात में लगाए होंगे भाई जी। वो अम्मा कहती थी कि आलू छोले लगा लेना, मोहल्ले में बहुत बिकते हैं। मैंने आलू छोले लगाने हैं तो मैंने ऐसे दूर दूर ईंटे रख देनी है। हाँ, जो मलक साहब कहते थे कि 3-4 फुट दूर ईंटे लगा लेना, जैसे बैंक में बिल जमा कराने जाए तो आगे रस्सी लग जाती। वाह जी वाह, 150 दे छोले ते अगे 500 दी ईंटा। 500 दी ईंटा मैं अगे कंध बनानी। मलक होना दे बाहर गाडिनिया दे विच पईयां होईयां ने 15-20 ईंटा। वो कहते थे इधर से ले जाना और दूर कर देना, और जो भी लेने आए उसको को ईंट से पड़े डाओ। टोपी पा के लग गया जरा, नहीं मक्का शरीर बड़ा वड्डा होटल है। अच्छा, ये छाना भी कुछ लगा रहा है? हाँ, मैं आवाज लगा रहा हूँ, आलू छोले करा रे। हाँ, हम दोनों ही इकट्ठे मिल के लगा रहे हैं। अच्छा, मलक साहब कहते थे मेहनत करो अल्लाह रंग लाएगा। तो मैंने कहा अगर ना भी कहते फेर, तो मलक साहब कहने ने कपड़ा ना क्यों है, तू केड़ा पड़ा ते चलू मालानिया। 150 रुपए के आलू छोले लगा रहे हो, देख लो लेबर कम न हो। लेबर तो हमारी बहुत बन गई है, इतने ज्यादा चने और इतने ज्यादा आलू बन गए। देख नहीं पीके, 150 दे आलू छोले बड़ी प्राप्ति है। और प्राप्ति तो मेरे पास और भी बड़ी है। चाचा बशीर कहता होता है कि माड़ा बंदा अगर सोच लेना कि उसके पास कितनी प्राप्ति है, तो वो कभी भी ना दुखी होए। कहता मैं तो जो मरी की तरफ जाता हूँ ना निडान कगान सैर करने, तो कहता मैं पहाड़ देख देख के अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि ये सारे मेरे ही हैं। कहता मैं तो उनको अपना समझता हूँ, मुझे इतने प्यारे लगते हैं, मैं उनका मजा लेता हूँ। ये फीका एक दफा गवर्नर हाउस अपना समझ के अंदर चला गया था, वो पड़ी इसको। गवर्नर हाउस भी साडा ही है, चाचा सरवरते इंग्लैंड तो आग में चढ़ गया। पहले तो कहते थे कि ये अवाम की प्राप्ति है, ते हुन अलास्कन जेत के ते आप विच बैठे होए। चाचा बशीर कहते हैं कि ये हर चीज जो है ये अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। कहते हैं कि फीके सिर्फ ये सोचा करो कि इतनी दूर तक तुम पैदल चलते जाते हो, कोई तुम्हें मना करता है? आया, आया। तो ये तुम्हारी अपनी जमीन है ना, तुम जिस पे चल रहे हो। तो सूरज जो सवेरे निकलता है जब, तो चाचा बशीर कहते हैं कि वो उसकी रोशनी तुम्हारे घर नहीं आती। मैंने कहा आती है, तो कहते हैं फिर तुम्हारी बड़ा पुट्टी हो। कहता चानड़ा की तेनू नहीं नजर आंदा? मैं क्या नजर आंदा? कहता जो तू वेखना है तो चान के कोई चदर कर देंदा कि तू क्यों वेखने है। मैं क्या नहीं, तो कहता फिर तेड़ा भी है।